कैसे अभी लुक में कितना चेंज आ जाएगा वो देखना आप। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर मॉर्निंग व्लॉग। कैसे हैं? तो गाइस, कल का वीडियो में काफ़ी एडवेंचर था ना, तो कल मैंने वीडियो बनाया था, वो था एक माउंट का। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। उसमें एक माउंट पे जा करके ब्लॉगिंग करना बहुत बड़ी बात है, तो वो वीडियो जा करके देखना ज़रूर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं घर में फ़ोटो शूट करता हूं, और उसके लिए मुझे रिंग लाइट ख़रीदने जाना है। एक रिंग लाइट तो लगा हुआ है लेकिन बट एक और चाहिए, और ये हमारा सॉफ्ट बॉक्स है। इससे क्या होता है कि फ़ोटो शूट होता है, इसका जब फ्लश करता है तो फ़ोटो काफ़ी अच्छा आता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा 5 सेट लॉन्च कर गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारा 5 सेट लॉन्च कर गया है, और कौन सा कलर का है और कैसा है, दिखने में कैसा है। तो मुझे फ़ोटो शूट कराना था घर में और मुझे रिंग लाइट खरीदने जाना, तो फिलहाल अभी चलते हैं। रिंग लाइट मुझे खरीदना है एक्स्ट्रा, क्योंकि उससे थोड़ा फोटो वगैरह सॉफ्ट लाइट की तरह अच्छा आएगा। और यहाँ हमारा फ्लशर, मतलब एक फ्लश बॉक्स लगा हुआ है, तो इससे काफ़ी अच्छा आता है फ़ोटो, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर भी फ़ोटो अपलोड करना है, तब जाकर के हमारा सेल आउट होगा। जो दिखता है वो बिकता है। भाई एक चीज़ से शिकायत है, बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग हैं कि ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपका व्लॉग बनाते हो तो व्यू नहीं आता है। तो बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना रहा हूँ। जिनको अच्छा लग रहा है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं अच्छा लग रहा नहीं देख रहे। रही बात सब्सक्राइबर का बात, तो मैं शुरू से कार बाइक का वीडियो बनाते आया हूँ, तो ऑडियंस उसी तरीके का तैयार हुए हैं हमारा, क्योंकि मोंटी कार बाइक का दिखाता है। अभी मैं ब्लॉगिंग दिखा रहा हूँ, इसके वजह से लोग जो ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, व्लॉग देखना पसंद करते हैं, वो उनको ये अच्छा लग रहा तो देख रहे हैं, और जो कार बाइक देखना चाहते हैं उनको वो अच्छा लगता है तो वो देखते हैं। तो बात कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर जो आप जिस तरीके से वीडियो बनाएगा आपका, उस तरीके से ऑडियंस तैयार होगा। लेकिन मेरा थोड़ा क्या है ना कि मैं स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग ही करने आया था, लेकिन कार बाइक में कैसे कैसे चला गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट जैसा आप वीडियो बनाओगे वैसा ऑडियंस तैयार होगा, ठीक है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं डेली ब्लॉग डालने का कोशिश कर रहा हूँ कि डेली डालूँ, आप लोग से जुड़े रहूँ, तो मुझे अच्छा लगता है मेरा व्यू आए या नहीं आए। लेकिन मैं एक तरफ से देखा जाए तो मैं काम में बिजी हूँ, लाइक आए डिसलाइक आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बस मेरे को अपने काम में बिजी है, मैं इससे सर्टिफाइड हूँ। अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो तो नहीं देख सकते हो। बस कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आपका व्यू नहीं आता, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है ये कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर रिंग लाइट खरीदने, और कहाँ से खरीदूंगा उस दुकान से आप भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो अभी जाते हैं, फिर आते हैं। ओके, तो हम लोग आए थे यहाँ पे रिंग लाइट लेने, और रिंग लाइट ले लिया, रिंग लाइट है और इधर वाइट पर्दा, ठीक है। और ये शॉप इनका विकास जी का, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ गूगल में, आप लोग भी खरीद सकते हैं। जो भी कैमरा का गैजेट होता है सारा मैं यहीं से खरीदता हूँ। ओके, ले लिया यहाँ पे रिंग लाइट। एक्चुअली एक है मेरे घर में और ये वाइट पर्दा नहीं था, जो कि फ़ोटो शूट कराना था। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे तैयार होने से पहले मैं अपना स्टूडियो को सेटअप कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे फ़ोटो शूट करना है। और उधर अली है, तो अभी उसको बोलेंगे भाई चल। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले जो ये हमारा रिंग लाइट है इसे लेके चलते हैं वहाँ, ठीक है, और वहाँ सेटअप करते हैं। ये रिंग लाइट को सिर्फ एक लगा हुआ, अभी एक और लगाऊंगा, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, एक ही लाइट से कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास जो फ्लश है ना उससे काम चलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे निकाल लेता हूँ अभी। और ये 18 इंच का रिंग लाइट है, ठीक है, इसको दिखाते हैं अभी कैसा है। ये इसके अंदर और केबल दिया है, और एक मोबाइल रखने के लिए स्टैंड दिया है, ये भाई टूटना नहीं। अगर ये आप खरीदना चाहते हो तो अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप खरीद सकते हो, अभी रेट कम हो गया है। हाँ, और मुझे ये वाइट पर्दा चाहिए था, ऐसे सब कोई ग्रीन यूज करते हैं, मतलब क्रोमा के लिए, लेकिन मैं वाइट इसलिए यूज कर रहा हूँ
क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट लगाना है अपने वेबसाइट पे, तो ये मैं ख़रीद के लाया। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, और ये सब वगैरह वगैरह, तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ख़रीद सकते हो वहाँ से जा करके। बट ये किस काम में आता है मैं दिखा देता हूँ, वो भी आप लोग देख लो फोटो, मतलब बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहेगा फ़ोटो में, इसको उतने से आएगा। खाना चाहता हूँ, ये जैसा मैं आपको दिख रहा होगा बॉक्स, ठीक है, ये मैं अलग से परचेस किया था, और ये स्टैंड भी अलग से परचेस किया था, ठीक है। और ये कैसे ओपन होता है, कैसे खुलता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगा। और ये भी आप खरीद सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दिया होगा। इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ, तो ये छोटा साइज हो जाता है, देखिए ऐसा करके इसका एक बैग आता है, बैग में रख सकते हो, बट इसको खोलना भी बहुत आसान है, बस ऐसे लॉक होते जाएगा, ओपन होते जाएगा। फोटो शूट करना है तो ये सबसे सॉफ्ट बॉक्स आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका साइड हो कहीं आपका नोज़ के बगल में आता है या वन साइड आता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आप सही से लगा करके अगर फ़ोटो क्लिक करोगे तो। देखिए एकदम सिंपल था, ये हो गया, ये भी खुल जाता है जब आप पूरा तरीके से पैकिंग करोगे ना, तो ये भी खुल जाता है, अंदर में भी एक है, ये भी ओपन हो जाता है, देखिए अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसमें जो चीज़ लगाऊंगा वो चीज़ देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ एक जादू आपको, चलो इसको मैं लॉक करता हूँ, तो ये ओपन हो जाता है पूरे तरीके से, देखिए ये फ्लश, इसके बिना आपका फ़ोटोशूट होगा ही नहीं, होगा लेकिन आउटडोर में होगा बिना फ्लश का, लेकिन फ्लश रहेगा तो और बेहतरीन फ़ोटो आता है। इसके साथ मैंने लिया था टिगर वाला, ये जैसे जब मैं फ्लश खरीदा था तो टिगर वाला था, इसके साथ आता है, इसके साथ, ठीक है। और फिर ये मैंने बैटरी इसमें अलग से परचेस किया था, चार्जेबल बैटरी, और इसका चार्जर भी अलग से लिया था, जो कि मुझे कम प्राइस में पड़ गया था, मुझे इतना याद नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा वहाँ से अगर ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, अभी मैं बैटरी को इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 and 4 डन, देखिए यहाँ से ऑन हो गया, ये माइनस है, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। कहता हूँ ये तो मैंने बैटरी लगा दिया, अब ये टिगर क्या काम करते हैं, ये DSLR में लग जाता है, जब आप फोटो क्लिक करोगे तो इससे ये ट्रैक करके यहाँ आता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसको टच करूँगा तो ये फ्लश देगा, यहाँ देखिएगा दिया, ये टच दिया, जब यहाँ वहाँ से बंदा अगर कोई फ़ोटो क्लिक करेगा DSLR में ये लग जाएगा, ठीक है ऊपर में। और ये सॉफ्ट बॉक्स भी यहाँ बहुत आसान तरीके से लगाते हैं, ये दिखाते हैं आपको, ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे लगा दिए, अब इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है ना, कम रेट में है, आप घर में आप स्टूडियो बना सकते हो अगर आपको फ़ोटोशूट वगैरह करना है तो। देखिए ये सिंपल हो गया, अब यहाँ से मैं टच करूँगा तो फ़ोटो वहाँ, सॉफ्ट बॉक्स आपको दिखाते हैं आपको, देखिए आपको मॉडल के हिसाब से रखना है सामने में या साइड में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रख सकते हो। तभी हमारा होगा फ़ोटोशूट, और अली करेगा, अली तुम तैयार हो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तैयार हो ले रहा हूँ, तुम अपना इधर सेट उट कर लो, तो जैसा देखिए अभी ये DSLR में लगेगा और बिहाइंड द सीन उधर शूट हो रहा है कैमरे में, तो अभी चलो वाइट बैकग्राउंड भी लग गया और इधर दो LED लाइट भी दिख रहा है, तो शूट करते हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, और ये हमारा आज का सबसे पहला सेट है, अभी धीरे धीरे देखते चाहिए 4 सेट और दिखाएंगे, जो कि एक दो सेट पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, बट ये सेट देखिए कैसा है, इसका फोटो बहुत आंसू है, और इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुका होगा, तो चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सेट है हमारे कंपनी का, ये आपको लोगों के साथ मिलेगा, जैसा यहाँ पे लोगों पहले भी मैं दिखाया हूँ, तो ये अभी हमारा फ़ोटो शूट होगा, तो देखते हैं इस पर फोटो कैसा आता है। अगर फोटो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, अगर ये सेट खरीदना है तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, तो अभी 4 सेट और है देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा वेबसाइट पे। तो फोटोशूट के लिए मैं तैयार है ली, ठीक है, तो ये हमारा होम सेटअप है, घर में आज हमारा फोटोशूट होगा। तो हाँ जी, अब देखिए मैं आ गया हूँ दूसरा सेट में, और ये भी सेट है हमारे वेबसाइट पे, और ये सेट का देखिए लुक काफ़ी ऑसम है, इसका अगर फोटो वगैरह पिक वगैरह देखना है
तो आप जा करके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया, और ऐसे वेबसाइट पे भी है, तो वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और ये शर्ट भी बाय कर सकते हैं, ये शर्ट भी आपको मिल सकता है, तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो जाइए जा करके बाय करिए। लेकिन हाँ, पहले दो शर्ट और है, अभी मैं पार्टी वेयर के लिए भी शर्ट दिखाऊंगा आपको और कुछ और यूनिक कलर दिखाऊंगा। ओके, तो फाइनली मैं ये शर्ट के बारे में बात कर रहा था, ये है प्योर स्पाइसी शर्ट, ये आप कभी भी कहीं भी पहन करके जा सकते हो, पूरे एकदम स्टैंडर्ड लुक में लगोगे। अरे मेरा फेवरेट शर्ट है, तो ये भी आप लोग बाय कर सकते हो। और शर्ट का क्वालिटी की बात करें तो भाई सबसे कम रेट में मैं दे रहा हूँ, ये आपको पता है, वेबसाइट में जो लोग विजिट करते हैं उनको पता होगा। और इस शर्ट का क्वालिटी की बात करो ही मत, मक्खन है मक्खन, ले लो अभी जा करके, ये लगता है हमको बहुत जल्दी निकल जाएगा इसका स्टॉक। बाकी ये पीछे का मैं एंगल दिखा रहा हूँ, इसका भी फोटोशूट होना बाकी है, बहुत जल्द आप लोग के पास पहुँच जाएगा। ये कभी भी कहीं भी पहन के जा सकते हो, ये एकदम फंकी लुक है और बोले ना स्पाइसी, तो अभी इसका फोटोशूट करा लेते हैं, देखते कैसा रिजल्ट आता है फोटो में। फोटो आप लोग तभी बाय करना जब तक देखना कि फोटो में सही आ रहा है कि नहीं, इंस्टाग्राम पे या फिर वेबसाइट पे। तो अभी देख लेते हैं इसका फोटोशूट करके कैसा लुक आ रहा है। वैसे मेरा जितना भी ड्रेसिंग है सब मैंने यूनिक किया है कि थोड़ा अलग लगो, जब आप कोई कपड़ा पहनो तो थोड़ा अलग लगना चाहिए, लोग आपसे पूछे कि भाई कहाँ से बाय किया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये शर्ट तुमने, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा तो बनना जरूरी ना भाई। तो अली तैयार हो जाओ फोटोशूट करके। यानी कि पार्टी वगैरह बर्थडे वगैरह में आप पहन करके जा सकते हो, कहीं भी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये जा सकते हो। और ये भी मैंने इसे इन नहीं किया, जब इन करूँगा तब देखिएगा। और बाकी ये शर्ट का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है और स्मूथ है और बहुत हल्का है। अभी मैंने शर्ट का बटन वगैरह लगा दिया क्योंकि एक फॉर्मल लुक दिखना मांगता है, तो मैं अभी इसको इन करता हूँ तो और फॉर्मल दिखेगा अभी। ओके, तो अब ये हो गया फॉर्मल लुक में, तो जैसा देख सकते हैं ये ऑफिस वेयर के लिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए ये ड्रेसअप कैसा लग रहा है। अब थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं थोड़ा एकदम स्ट्रांग दिखूं, तो उसके लिए क्या करना है आपको मालूम है, सिर्फ सिंपल सा करना है, ये आस्तीन को ऐसे खोलना है, अब थोड़ा और ड्रेसिंग लगेगा दिखने में, इसको थोड़ा सा मोड़ना है बस, ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब देख सकते हो आप, एकदम कूल सेट, तो आप इसे भी बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। तो फिलहाल इसका फोटो वगैरह देखते हैं शूट करके कि कैसा फोटो आ रहा है, बट एनी वे वीडियो में तो आप लोगों ने तो देख लिया होगा, अब देखते हैं भाई चैनल ही तैयार हो जाए फोटो शूट करने के लिए। तो हाँ जी, ये भी काफी अट्रैक्टिव लुक है, अगर ये शर्ट आप पहनोगे तो आपको कोई ना कोई जरूर देखेगा भाई शर्ट कहाँ से लिया। तो भाई ये भी शर्ट है और ये भी काफ़ी कमाल का शर्ट है, इसका ड्रेसिंग देखिए आप, अगर ये कोई भी पैंट पे आप पहनोगे, जींस पर पहनोगे तो और ऑसम लगेगा, अगर नेवी ब्लू जींस है या फिर ब्लू जींस है उसके ऊपर पहनिएगा तो और मस्त और अपने आप को कूल दिखेगा। और देख सकते हैं ये शर्ट का क्वालिटी, ये भी काफ़ी ऑसम है ना, तो ये भी आप जाके खरीद सकते हैं, तो लेट किस बात का कर रहे तो जाके बाय कर सकते हैं। एक चीज़ और, अभी जितना भी मैंने शर्ट दिखाया सबका, किसी का बांह मैं मोड़ के नहीं दिखाया, लेकिन जब आपका बांह अगर आपको लग रहा है कि आपको लंबा है तो आप यहाँ से ऐसे टर्न कर सकते हो इसको ऐसे, अब देखिएगा यहाँ से लुक, आपका लुक कितना खतरनाक बढ़ने वाला है अभी। और ये साइड से उसको ऐसे, अभी लुक में कितना चेंज आ जाएगा वो देखना आप, ये देखो थोड़ा सा बाइसेप सोले, मतलब क्या बोलते हैं डोले सोले जो दिखेंगे ना, तो थोड़ा सा चार चांद लग जाएंगे। अभी तो मैं वर्कआउट स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा कुछ फिट फाट लग रहा है, अब देखिए थोड़ा सा। है ना कमाल की चीज, तो मल्टी ब्लॉग्स आप ही लोग के लिए बना है, आप ही लोग के लिए बेनिफिट के लिए बना है, तो जाइए फटाक से ऑर्डर करिए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है ये हमारा सेटअप आप लोगों को पसंद आया होगा कि घर में एक फ़ोटो शूट करना और सारा सामान इकट्ठा करके, तो पसंद आया होगा भाई, तो इस बात पे लाइक बनता है। और जो लोग इस चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
क्योंकि मैं इसी तरीके का आप लोग के लिए वीडियो, थोड़ा नॉलेज वाला वीडियो और ड्रेसिंग सेंस वाला वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कम से कम रेट में आप लोग ऐसा कोई कपड़ा पहनो कि अपने आप को देखने में एक लगो कि बंदा लग रहा है भाई कुछ। मैं इसीलिए लॉन्च किया हूँ ये सब सारे शर्ट कि आप लोग भी पहन सकते हो, एक प्रोफेशनल लुक और एक ड्रेसिंग लुक अपने आप को ला सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पता है यकीन के साथ बस एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूँ। बस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और भी शर्ट अगर नया लॉन्च करेगा तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, तो जा करके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और हाँ, बहुत लोगों का शिकायत होता है कि भाई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया, तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है जहाँ से आप लोग ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे व्हाट्सअप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई हमारा ऑर्डर किस रीजन से फंसा है ये आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे ही आप लोग ऑर्डर करिएगा आप लोग के पास ट्रैकर नंबर भी चल जाएगा व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप पे हाई भेजिएगा, हमारे टीम बैठे हुए हैं तो वो आपको अच्छे से बात विचार कर लेंगे। ओके, बाकी कूल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, बी ए पी, खुश रहें एंड